आंखें भी है, स्माइल कर रहा है। देखो इसकी कहानी क्या है, ध्यान से देखना। अभी एक बहुत प्यारा सा बीज आएगा, एक छोटा सा बीज था। क्या था? बीज। और वो जमीन पे पड़ा सो रहा था। देखो सो रहा है जी। किसी ने उसको जमीन में फेंक दिया होगा, आम खा के फेंक देता ना कुछ। ऐसे कोई बीज था, वो जमीन में मिट्टी पे पड़ा सो रहा था। ऊपर से सूरज की उसको रोशनी मिल रही थी, मिट्टी में पड़ा हुआ था। एक दिन क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बारिश होने लगी, बहुत जोर की बारिश हुई। और उसके ऊपर जब पानी पड़ा, एक तो जग गया भाई, किसी के ऊपर पानी पड़ेगा तो क्या होगा? जग गया। अरे बीज जो था छोटा सा, देखो हंसने भी लगा, ये हंस रहा है जी। ये बीज था जो मिट्टी में पड़ा था, ये जग गया। शोभे देखा। और उसके बाद थोड़े दिन बाद, फिर थोड़े समय बाद धूप निकली, बारिश जब हुई उसके बाद सूरज निकलता है जी। और थोड़े ही दिनों में धीरे धीरे, अरे इसकी तो एक चोटी निकल आई जी। देखो, और इसकी छोटी सी नीचे की ओर पूंछ निकलने लगी। बीज जो था छोटा सा, उसके बारिश की बूंदें पड़ी, सूरज की उसको रोशनी मिली, तो देखो नीचे की ओर इसकी छोटी सी पूंछ बढ़ने लगी, नीचे की ओर, और ऊपर की ओर हरे रंग की चोटी निकलने लगी। ये बीज जो था अब क्या होने लगा? अंकुरित होने लगा। क्या होने लगा? अंकुरित होने लगा। और नीचे का हिस्सा जो मिट्टी के अंदर जा रहा था, वो क्या कहलाया? मूलांकुर। क्या कहलाया? मूलांकुर। और जो ऊपर की ओर बढ़ रहा था, उसको क्या नाम दिया गया? प्रांकुर। तो जब बीज अंकुरित होता है, तो जो उसके नीचे का हिस्सा होता है, वो क्या कहलाता है? मूलांकुर। क्या कहलाता है? और जो ऊपर का हिस्सा होता है, वो क्या कहलाता है? प्रांकुर। क्या कहलाता है? प्रांकुर। तो नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा? मूलांकुर। और ऊपर का हिस्सा? प्रांकुर। अब धीरे धीरे इस बीज को सूरज की रोशनी मिलने लगी, और नीचे से पृथ्वी से जमीन से इसको खनिज लवण मिलने लगे। अब जो इसके ऊपर का हिस्सा था, वो और बड़ा होने लगा, उसमें देखो दो पत्तियां भी आ गई। और जो इसका मूलांकुर था, उसमें और भी बहुत सारी देखो जड़ों जैसी निकलने लगी। तो जो मूलांकुर था वो क्या बन गया? जड़। क्या बन गया? जड़। और जो प्रांकुर था वो क्या बन गया? तना बनने लगा। तो मूलांकुर क्या बनने लगा? जड़। और प्रांकुर क्या बनने लगा? तना बनने लगा। तने से क्या निकले? पत्तियां। और पत्तियों ने क्या करना शुरू किया? सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो गई। देखो जो जड़ थी, वो मिट्टी के अंदर से जल और खनिज लवण इस तने तक पहुंचाने लगी, और पत्तियों ने सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ करी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन। और इस भोजन से पौधा क्या होता है? वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। पौधा क्या होता है? बढ़ने लगता है। अब देखो इसमें फूल भी निकल आया। फूल निकल आया जी। अब एक तितली भी आ गई यहाँ पे। तो फूलों में परागण की क्रिया तितली और भौरों से शुरू हो जाती है। तितली और भौरे होते हैं, वो फूलों में परागण करते हैं, और जब परागण की क्रिया होती है, तभी फूल से क्या बनता है? फल बनता है। देखो अब धीरे धीरे इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हुई, और उसके बाद क्या हुआ? इस पौधे में फल आ गए। क्या गए? फल। देखो कितने सारे फल आ गए, फूल भी बहुत सारे हो गए। अब इस पौधे के बहुत सारे भाग हो गए जी। कौन कौन से? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। भागों में डिवाइड हो गया। छोटा सा बीज था, अब देखो पौधा बन गया। क्या बन गया? पौधा। सूर्य की रोशनी में पत्तियों ने क्या, कौन सी क्रिया शुरू करी? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया शुरू करी? प्रकाश संश्लेषण। और पौधा जो था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, इसमें फल निकलने लगे। क्रिया होती रही, जड़ जो थी उसको पोषण प्रदान करती रही, और धीरे धीरे एक दिन ये पौधा क्या बन गया? बड़ा सा पेड़ बन गया। देखो और क्या कह रहा है ये पेड़?
उसमें वो अंकुरण हुआ, फिर उसमें प्रांकुर और मूलांकुर निकला, धीरे धीरे वो क्या बना, पौधा बना, और कुछ ही समय बाद वो क्या बन गया, बड़ा सा वृक्ष बन गया, पेड़ बन गया, और ये पेड़ सबको बहुत सारी चीजें देने लगा। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, जो क्या मिलती है, ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं वो कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। और फल मिलते हैं, सीतादेवी फल मिलते हैं कि नहीं, फूल मिलते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, जो खिड़की दरवाजे बनते हैं उसके लिए इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं। तो देखो एक छोटा सा बीखा कैसे धीरे धीरे वो बहुत बड़ा सा पेड़ बन गया, बन गया। और पेड़ जो है वो हमारी पृथ्वी को शुद्ध बना के रखते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध।